एक बार भी ये शिकायत लेकर के ना तो खेल मंत्रालय में गए हैं, ना किसी पुलिस स्टेशन पर गए हैं, ना कभी फेडरेशन में आए हैं। और यही खिलाड़ी आंदोलन के 15 दिन तक पहले इनकी वीडियो सुन लिया जाए, इनका ऑडियो सुन लिया जाए और ये जो है हमारी तारीफ करते थे। ये जो खिलाड़ी आज धरने पर बैठे हैं, ये अपने शादी में मुझे क्यों बुलाते थे, फिर जोड़े में होकर के मेरा फोटो क्यों लेते थे, मेरा आशीर्वाद क्यों लेते थे। लेकिन मैं एक संवैधानिक पद पर हूं, मेरी एक बोलने की मर्यादा है, उस मर्यादा के तहत मैं बोल रहा हूं। अब मामला सुप्रीम कोर्ट के पाले में है, दिल्ली पुलिस के पाले में है, जो भी निर्णय करेगी हम मुझे उसी साजिश की बात में आपको बताती हूँ। हकीकत में जब हम नहीं देखते थे, मेरी शादी थी, मैं कार्ड नहीं देगी, सामने से बोला आप मेरे को कार्ड नहीं दोगे। वो छोटी छोटी बातें, वो जबरदस्ती कार्ड लेते थे, अगर नहीं देते थे वो टॉर्चर करते थे कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारी इतनी औकात, तुम हमें इन्वाइट नहीं करोगे, ये उनके शब्द होते थे। हमारी मजबूरी थी, हमें रेफरिंग करना था। हम आज भी इसी बात कर रही हैं कि बोल रहे आप इतने साल क्यों लगे बोलने में, हमारी मजबूरियां थी, नहीं बोल पाए हम, आज हम बोले हैं। आप सुनिए, हमें न्याय दिवाइए, हमारी यही दरकार है, हमारी यही एक आप लोगों से।